बागपत से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है। बड़ोस नगर में छापेमारी करते हुए बगैर रजिस्ट्रेशन के नर्सिंग होम को पकड़ा है। इतना ही नहीं, अवैध रूप से मेडिकल स्टोर का भी संचालन होते हुए मिला है। टीम ने मौके पर डिलीवरी रूम, औषधि रूम, प्रतिबंधित इंजेक्शन सिरिंज को सीज कर दिया है। बड़ौद के पट्टी चौधरान में स्थित मानव सेवा हेल्थ केयर सेंटर का यह पूरा मामला है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग बागपत की टीम ने छापेमारी करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। बागपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की है। आज हमें कोई सूचना मिली हुई थी, शिकायत मिली हुई थी कि मानव सेवा ट्रस्ट जो चल रहा है उसमें डिलीवरियां होती हैं, जो कि ना तो यहाँ पर कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट उपलब्ध है और ना ही इनके पास कोई जो डॉक्यूमेंट देखे गए, और एक मरीज भी भर्ती मिला था जो डिलीवरी के लिए आए हुए थे, कोई भी स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट स्टाफ नर्स ट्रेंड कोई भी उपलब्ध नहीं हुए थे, ना ही इनके द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाए गए कि मरीज यहाँ भर्ती है, उनके रजिस्टर हो या पुरानी कोई डिलीवरियाँ हुई हैं उनके रजिस्टर हो, कोई भी डॉक्यूमेंट इनके पास उपलब्ध नहीं मिला। कहाँ पर है यो? ये पट्टी चौधरान में है, मानव सेवा ट्रस्ट के नाम से। और क्या क्या सील किए गए हैं इनका? जो एरिया है जहाँ पे ये डिलीवरी होती है वो एरिया हमने पूरा सील किया हुआ है, और इनका जो दवाइयाँ जहाँ से वो देते हैं वो एरिया सील किया हुआ है। क्या कुछ प्रतिबंधित भी मिला है? प्रतिबंधित नशा मुक्ति या नशा जैसी कोई चीज़ें ऐसी चीज़ नहीं मिली है, पर जो रजिस्ट्रेशन के मानक के अनुसार उनके पास जो सामान होना चाहिए वो ना होकर रजिस्ट्रेशन के अनुसार कोई भी सामान नहीं मिला। इवन यहाँ पर हमने पानी का भी देखा था, उसमें भी फंगस लगा हुआ था, जो आरओ लगा हुआ है पीछे, और साथ ही इनके जो सुरक्षा हेतु मानक जो है वो भी एक्सपायर पाए गए हैं।